हर परिवार का एक सपना होता है कि उनका लाड़ला कुछ बड़ा नाम कमाए, पापा कहते हैं। लेकिन इस बार ये मौका जरूर मिला, लेकिन कुछ खुराफाती लोगों ने, खासतौर अगर बात करें पाकिस्तान आईएसआई एजेंट्स ने मिलकर एक ट्रोलिंग करवाई और खालिस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया गया। आज अर्शदीप के माता पिता हमारे साथ हैं। जब आप दुबई गए मैच देखने गए एशिया कप के लिए, बड़ी उम्मीदें लेकर गए थे, पर आपको क्या यकीन था कि, या आपको कभी ऐसा सोचा भी था कि इस तरह की कंट्रोवर्सी हो जाएगी जहां पे ये नाम एसोसिएट किया जाएगा? मैं इसके बारे में ज्यादा तो बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये गेम है और गेम में अप्स डाउन चलते रहते हैं। बिना फैंस के जो है कोई गेम अपने आप में कुछ नहीं है, है ना। तो जो फैंस होते हैं कुछ फेवर में होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म में होते हैं। तो जो प्लेयर का काम ये होता है, जहाँ हमारा फर्ज ये बनता है कि उसको पॉजिटिव लेना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है ना। तो फैंस का तो ये होता है कि वो चाहते हैं कि हम हर एक मैच को जीतें। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि जो दो टीमें जो जूझ रही हैं ग्राउंड में, उनमें से एक ही टीम ने जीतना है। तो अच्छा मैच हुआ है। और दर्शन जी, आप सिक्योरिटी के साथ रहे हैं और जुड़े रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि विकिपीडिया ऑफिशियल्स को बुलाया गया है, समन किया गया है कि वो बताएं कि किस तरह से ये टर्म जो खालिस्तानी है वो एसोसिएट कर दिया, आपको लगता है इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए, देखना चाहिए कि मैच के बाहर जिस तरह से ये सब हुआ है? मुझे गेम के अलावा और कुछ नहीं कहना। ये गेम है, पार्ट ऑफ गेम है। जीत हार होती रहती है। जब जीत जाते हैं तो जो कमियां होती हैं वो छुप जाती हैं, जब हार जाते हैं तो वो उजागर हो जाते हैं। यही अगर पाकिस्तान मैच हारा होता तो जो उनके एक फील्डर ने कैच ड्रॉप किया, दो बाउंड्री छोड़ा, तो उस पर हल्ला हो जाता। तो ये बात है, ये जीत हार के ऊपर डिपेंड करता है। और हरेक प्लेयर भी ये चाहता है, जिंद जान लगाता है अपने देश को जिताने के लिए। और ऐसा और कोई मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन एक माता पिता होने के नाते एक इमोशन होता है। आपको लगता है इस ट्रोलिंग के बावजूद, सब लोग बोल रहे हैं 23 साल का परफॉर्मेंस है, तो आपको लगता है कोई प्लेयर को इम्पैक्ट करता है? अर्शदीप पर्सनली कैसे हैं, आपको लगता है कि वो स्ट्रांग उभरेंगे, या आपको लगता है कि एक प्लेयर की साइकी में कहीं ना कहीं? अगर मैं आपको फ्रेंकली तौर पे बोलूं तो जब रात तो हम एक साथ थे तो वो बोला था कि पापा मैं तो इसको आप खुद पढ़ रहा हूँ जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ताकि मैं इससे पॉजिटिव लेके और अपने गेम को और आने वाली गेमों में इम्प्रूव करूँ। और अभी टूर्नामेंट बहुत बचा है, इंशाल्लाह आप जो जीतेंगे इसको ट्रॉफी जीत के लाएंगे। एक बड़ी बात कर रहे हैं, बलजीत जी हैं, उनकी माता हैं। एक माँ की एक फीलिंग होती है आज देश भर में, और पिछले कुछ समय से अपने परफॉर्मेंस के लिए अर्शदीप जाने जाते हैं, पर आप अब इसको कैसे देखती हैं? खासतौर पे ट्रोलिंग हुई, आपको बुरा तो लगा होगा? नहीं, बुरा नहीं लगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं बीच में, ट्रोलिंग करने वाले भी होते हैं, जो कुछ फैन होते हैं जो लाइक भी करते हैं, कोई अनलाइक करते हैं ना। तो उनको उम्मीदें थी जीत के आए, इंडिया जीते, कोई मैच हारे ना, है ना। पर देखिए, जब कोई इस्तेमाल करता वर्ड खालिस्तान, प्लेयर के लिए बोलता है, पर ये बोलना और बोलना कि जानबूझ के ड्रॉप किया है, मींस आपको कहीं ना कहीं ऐसी हो ना, किसे नो मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना किसी का भी, है ना। जो बोल रहे ने बोलन दो, असि ओनू नेगेटिव लेके चलांगे, फिर उन्होंने जो बोलिया छड़ दो, अपना पॉजिटिव अपना अगे गेम वाली ध्यान देवांगे। जो बोल दिता उन्होंने ओदे वाले बेटा ध्यान भी नहीं दूंगा, असि भी नहीं देवांगे, असि हम नेक्स्ट मैच बारे सोच। आप चंडीगढ़ वापस आ गए हैं, पर क्या बोलकर आए अर्शदीप को, क्या बोला है? अर्शदीप ने यही बोलिया सी, जो भी मैसेज कमेंट आ रहे ने उन्हां ते ध्यान नहीं देना, तू अपनी गेम दे उत्तरी ध्यान देना पूरा, और वधिया करके दसना आ कि सब मुंह बंद हो जाने। एक आखिरी सवाल, क्या आप चाहते हैं कि इस पे जांच हो, जिस तरह से अब इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू आते हैं, आपके हस्बैंड हैं वो सीआईएसएफ के साथ, सिक्योरिटी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि इसमें एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक जेंटलमैन गेम बोला गया है क्रिकेट को, और इस तरह से किस चीज की इंक्वायरी मैम? कुछ नहीं, गेम है, हम तो गेम से अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस दैट्स ऑल। हमें अगले मैचों में बेटर परफॉर्म करना है बस, ये रात गई बात गई, हमारा इंडिया जीते बस, हमें किसी और रात गई बात गई, उसको भूल गए हम सब कुछ। ये पार्ट ऑफ गेम है, हार जीत लगी रहती है, लोग फैंस हैं, फैंस कुछ भी बोलेंगे, फैंस पूरे ग्लोबली फैंस, हौसला कहीं कम नहीं, ना ना बड़ा है, और भी बड़ा है, इससे और भी बड़ा है, क्योंकि जिस आदमी के क्रिटिक्स नहीं है वो आदमी कभी डेवलप नहीं कर सकता। तो क्रिटिक्स है, हमें ये मालूम पड़ा है कि एक छोटी सी गलती का कितना होता है, है ना। तो अच्छा है, हमें इसको पॉजिटिव लेके, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पूरी इंडियन टीम जो है एक यूनिटी होके और पूरा एशियन चैंपियन बन के आएगी, वो एशिया कप जीत। शायद अर्शदीप भी सुन के एक फख्र महसूस कर रहे होंगे कि पेरेंट्स जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, खास तौर पे पेरेंट्स का मैसेज है कि काम पे ध्यान दें, क्रिकेट पे ध्यान दें, ट्रोल पे नहीं, और बेटर ही करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें, और उसी से ट्रोल्स का मुंह बंद कर